देखिए, 4 मार्च का इंसिडेंट है ये। भैणी चंद्रपाल गांव है मैन थाना क्षेत्र में, वहाँ आपसी ज़मीनी विवाद है। तो एक व्यक्ति जो उसका सगा भाई है, उसने दूसरे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी थी जी। झज्जर में एक गांव है ढाकला, तो वहाँ से 3 हमने अक्यूज़ अरेस्ट किए हैं। देखिए, अजमेर है और उसके 2 लड़के हैं, रसूख और मोहित जी। ये कब का मामला है और थोड़ा डिटेल में बताइए, कब से क्या कुछ किया है, कब मर्डर हुआ था ये, और कहाँ से गिरफ्तारी कारण हुई क्या है, था? कहाँ क्या था? देखिए, ये आपस में सगे भाई हैं और इनका ज़मीनी विवाद है, और 4 मार्च 2024 का ये मामला है। गांव में शाम के टाइम फायर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जी। अभी 106 के करीब जिंदा राउंड बरामद हुए हैं और 3 कट्टे बरामद हुए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो वेपन्स, जो इलीगल कंट्री मेड वेपन्स है, वो राजस्थान में झुंझुनू के पास एक गांव है, वहाँ से हमने बरामद। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी वो कहीं बिहार में मुंगेर नाम का कोई जगह है, जिला है, अभी वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे वारदात हैं। करके ये लोग दादरी और फिर आगे राजस्थान चले गए थे, झुंझुनू के पास कहीं एक गांव है, वहाँ छुपे हुए थे। अभी वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर, हो रहे सारा हैं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो बरामद कर लिया हमने। देखिए, अभी सारा वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और ये अजमेर नाम का व्यक्ति है, उम्र करीब 60 साल है, 2 इसके लड़के हैं, एक 18+ है, दूसरा 21 साल का है। इन तीनों ने प्लानिंग की है और उसके बाद गोली मारकर अपने सगे भाई की इसने हत्या की। इनके 2 गोलियों की उसमें इंजरी थी। आपस में FIR लॉज है 2023 में, और पहले से इन दोनों की रंजिश थी जी। जी इनके खिलाफ़ FIR लॉज है, उसमें भी अब पैरेलल हम लोग अरेस्ट करेंगे, उसमें इनके अरेस्ट पुलिस बकाया है। रिमांड पे हैं जी, और जो 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 पेंडिंग बिंदु हैं उन पे सब पे हम काम कर रहे हैं। AVT स्टाफ के इंचार्ज हैं, वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सारा मामला बिल्कुल सही तरीके से किया जा रहा है जी। देखिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सभी आरोपियों पे 5-5 हज़ार का इनाम किया गया था, ताकि गिरफ्तारी जल्दी हो और सभी टीमें इसमें इंटरेस्ट लें जी।